राजनीति में बागी बड़ी भूमिका अदा करते हैं। चुनाव के वक्त बागी किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं, तो वहीं चुनाव के बाद सत्तारूढ़ पार्टी में भी सेंध लगाकर उसे संकट में ला सकते हैं। जैसे इस वक्त एकनाथ शिंदे शिवसेना के बागी बनकर उद्धव ठाकरे की कुर्सी को हिलाने में जुटे हैं। विधान परिषद के चुनाव के बाद से ही उन्होंने बगावत का झंडा बुलंद कर शिवसेना के सामने शर्तों का पिटारा रख दिया है। इसी के साथ ही वो अपने साथ करीब 40 विधायकों के होने का दावा कर रहे हैं। शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में बीजेपी के संग सरकार बनाए जाने की मांग को लेकर पहले पार्टी के विधायकों समेत सूरत पहुंचे थे। शिवसेना के सबसे वफादार नेताओं में से एकनाथ शिंदे ने पार्टी में बगावत करते हुए 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों को अपने साथ ले लिया है। राजनीतिक माहौल को गर्माता देख अब वो वहाँ से असम की राजधानी गुवाहाटी पहुँचे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को नहीं छोड़ा है और आगे भी नहीं छोड़ेंगे। हम बाला साहेब के हिंदुत्व का अनुसरण कर रहे हैं और इसे आगे भी ले जाएंगे। अब भले ही शिंदे शिवसेना के साथ होने का दावा कर रहे हो, लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। वहीं अगर मौजूदा समीकरणों पर नजर डालें तो शिवसेना विधायक रमेश लटके के निधन के बाद महाराष्ट्र की 288 सदस्य विधानसभा में एक सीट खाली है। ऐसे में किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत के साथ सत्ता में रहने के लिए फिलहाल 144 विधायकों की जरूरत है। वहीं साल 2019 में हुए चुनाव में बीजेपी ने 105 सीटें जीती थी, जो कि पंढरपुर विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद अब 106 हो गई है। शिवसेना के फिलहाल 55 विधायक हैं, एनसीपी के 53 विधायक हैं और कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं। सदन में 13 निर्दलीय हैं, इनमें से 6 बीजेपी के समर्थक हैं, 5 ने शिवसेना को समर्थन किया है, जबकि कांग्रेस और एनसीपी को एक एक निर्दलीय का समर्थन प्राप्त है। अगर ऐसे में शिवसेना से 40 विधायक टूट जाते हैं तो उसके हाथ से सत्ता भी जा सकती है। अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे